देखिए, हम इस वीडियो में सीखने वाले आइगन वैल्यू एंड आइगन फैक्टर। तो सबसे पहले आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स के हिसाब से ही बनता है। तो क्या है कि लेटेस्ट कंसीडर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ले लिए, ठीक, जैसे 2 × 2 का हो सकता है, 3 × 3 का हो सकता है। तो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, ऐसा वाला। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिफाइन। कैसे होता है कि आइगन वैल्यू जैसे हम निकालेंगे तो क्या होगा, ए माइनस यहाँ पे लैम्डा आई होगा, ठीक। तो ए क्या होता है, जो हमारा गिवन दिया हुआ इक्वेशन, वो माइनस लैम्डा, लैम्डा ही है हमारा जो कि हमारा आइगन वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो माइनस लैम्डा और आई जो टर्म होता है, आई टर्म क्या होता है, जैसे आई हमारा जो टर्म होता है वो, जैसे कि 2 × 2 मैट्रिक्स का, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। 3 × 3 मैट्रिक्स का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया। 4 × 4 मैट्रिक्स का, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1, देखिए ये 4 × 4 हो गया। तो ये आई का वैल्यू यही होता है, ठीक है, आई इस फॉर्मेट में, तो यही है। तो दैट इज क्या कि ए नॉट, और यहाँ पे देखिए लैम्डा का पावर एन है, फिर ए वन है, प्लस ए वन लैम्डा का पावर एन माइनस वन, प्लस देखिए इस तरह कंटिन्यू ए एन तक है। तो वेयर लैम्डा बी एनी स्केलर क्वांटिटी, कोई एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा, ठीक। तो देखिए जो लैम्डा होगा तो वही होता है एक्चुअली में आइगन वैल्यू, या उसको रूट बोल सकते हैं। तो देखते क्या, देयरफॉर लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड, इसी को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी है, इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, इसी को आइगन वैल्यू बोला जाता है। अब चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक। तो एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है क्या है कि 5 4 1 2, देखिए इसका हमें निकालना है क्या, आइगन वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका प्रोसेस क्या होता है, लिखने का भी प्रोसेस होता है, उसी में मार्क्स मिलता है। वैल्यू तो इजीली निकाल लेगा कोई भी, लेकिन लिखने का जो प्रोसेस होता है उसमें मार्क्स मिलता है, ठीक, अच्छे से। तो देखिए लिखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो द गिवन मैट्रिक्स जो हमारा है, गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू क्या है, 5 4 और 1 2, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक। ये हमारा एक्चुअली में क्या, ये मैट्रिक्स, देखिए ये डिटरमिनेंट का होता है सिंबल, और जैसे कि हमारा सिंपल ये डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ठीक। और ये जो टर्म्स होता है वो क्या होता है कि मैट्रिक्स है। तो ये देखिए मैट्रिक्स हो गया। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें पता है कि जैसे कि हम इसका निकाल रहे हैं क्या, आइगन वैल्यू निकालेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन हमें पता है कि ये वाला टर्म्स होता है, तो लिखेंगे क्या कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसका, ए इज, देखिए क्या होता है कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ये हमारा जीरो होता है, ये टर्म हो गया। तो देखिए ए का वैल्यू हम पुट करेंगे वहां पे, और माइनस लैम्डा आई का भी वैल्यू पुट कर देंगे, और इजीली निकल जाएगा। देखिए तो सॉल्यूशन देखिए क्या कि ए जो हमारा टर्म था, तो वो क्या है कि ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या होगा, ए टर्म है मींस 5 4 1 2, देखिए ये टर्म हो गया हमारा एक, और माइनस लैम्डा आई क्या है कि 2 × 2 मैट्रिक्स का है, तो 1 0 0 1 हो जाएगा, ये टर्म हो गया। देन देखिए यहाँ पे 5 4 1 2 रहने दीजिए, हाँ 1 2 रहने दीजिए एज इट इज। अब माइनस लैम्डा यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है माइनस यहाँ पे लैम्डा, ये 0 0 और यहाँ पे लैम्डा, ये टर्म हो गया हमारा, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लिए तो ये टर्म हो गया। देन अब हम क्या करेंगे कि ये और ये वाला टर्म, देखिए 5 माइनस यहाँ पे क्या है कि लैम्डा है, माइनस वाला सिंबल है, तो 5 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे 4 माइनस 0 मीन्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
तो ये टर्म देखिए 5 माइनस लैम्डा आ जाएगा और ये 4 एज इट इज रहेगा। फिर देखिए 1 माइनस 0 मींस 1 और 2 माइनस यहाँ पे लैम्डा माइनस वाला सिंबल तो 2 माइनस लैम्डा देखिए इस फॉर्मेट में हो गया। देन इक्वल टू ये देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करना इजीली पता है कि ये दोनों ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इसका मल्टीप्लाई ये जो हमारा क्रॉस वाला होता है क्या कि ये जो डायगोनल वाला टर्म्स तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस का सिंबल देते हैं फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स क्या हो जाएगा कि 5 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए फिर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है इसका सॉल्यूशन तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये 5 मल्टीप्लाई होगा इससे एक बार 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा देखिए 5 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 होगा ठीक 5 इंटू 2 10 और यहाँ पे माइनस 5 लैम्डा फिर माइनस 2 लैम्डा और यहाँ पे प्लस लैम्डा माइनस 4 ये टर्म हो गया। देन देखिए यहाँ पे क्या है कि लैम्डा लैम्डा वाला टर्म देखिए तो माइनस यहाँ पे 7 लैम्डा दिख रहा है आपको तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 7 लैम्डा ओ सॉरी यहाँ पे लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर वाला टर्म को हम यहाँ पे लेके आते हैं फर्स्ट में लेके आता है ये पॉजिटिव वाला टर्म और यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये 7 लैम्डा हो जाएगा और देखिए 10 और माइनस 4 तो क्या हो रहा है प्लस 6 हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं कैसे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो गया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इजीली निकाल सकते हैं कोई भी इसका वैल्यू तो दो वैल्यू आएगा इसका। तो देखिए जैसे कि ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में से हम तोड़ते हैं तो इजीली टूटेगा क्या 6 1 हाँ टूट जाएगा देखिए तो ये जो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में तोड़ते हैं तो क्या देयर फोर लिख देते हैं क्या कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर है माइनस 6 लैम्डा और माइनस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 देखिए। अब क्या करेंगे लैम्डा यहाँ पे कॉमन आउट करते हैं लैम्डा माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से वैल्यू आएगा लैम्डा माइनस 6 हो जाएगा और एक लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा तो लैम्डा माइनस 6 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया ये टर्म हो गया। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे देखिए लैम्डा इक्वल टू 6 और 1 हो जाएगा तो यही हमारा आइगन वैल्यू हो चुका है आइगन वैल्यू निकल गया तो इजी है आइगन वैल्यू निकालना ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।